बरेली बनेगा निवेशकों का हब। उत्तर प्रदेश के निवेशकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली जिले में निवेश करने का सुनहरा मौका प्रदान करने जा रही है। बरेली डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने प्रेस मीटिंग की और 12 फरवरी को होगी लखनऊ में इन्वेस्टर्स मीटिंग। इससे पहले जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा बरेली जिले में निवेश करना चाहते हैं, वह सभी इन्वेस्टर्स अपना रजिस्ट्रेशन सरकारी वेबसाइट पर करा ले या डीएम कार्यालय पर अधिक जानकारी ले सकते हैं, तथा निवेशकों को कोई खतरा न हो, कोई परेशानी न हो, इसके लिए एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने स्पेशल सेल बनाया है, जिससे निवेशकों के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। कोई इन्वेस्टर्स अपना पैसा बरेली जिले में जो निवेश करना चाहते हैं, वह सभी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। निवेश के लिए कई क्षेत्र दिए गए हैं, जिसमें कृषि फूड डेयरी से संबंधित हैं। लगभग 4,000 करोड़ का लक्ष्य सरकार द्वारा तय किया गया था। बरेली से रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिसमें कि लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि बरेली जो है वो एक खूबसूरत जिला है, जैसे यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब से लोग रहते हैं, उसी तरह से जो है वो बहुत तेज़ी से ये जो है वो उभरे और इन्वेस्टर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। हम भी इस मीटिंग में आए हैं और अपने साथियों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को भी जो है वो प्रोत्साहित करेंगे कि बरेली में जो यूपी का इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उससे पहले पहले नए प्रोजेक्ट लाएं। नए प्रोजेक्ट को लेकर डीएम साहब ने जो भी ओडीओपी के बारे में संदर्भ में बातें कही थी और भी बहुत सारी बातें, तो आपको क्या लगता है कि बरेली के अंदर जब उद्योग लगेगा तो कुछ बेरोजगारी का भी जो यहाँ बैठेगी क्या उस पर कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए, बेरोजगारी का सीधा सीधा असर रोजगार उद्योग से पड़ता है। एक उद्योग जो है वो 10 से लेकर 100 तक 200 तक जैसे भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि लगभग 12 राइस मिल लग रहे हैं, तो 12 राइस मिलों में आप मान के चलिए 12×87 औपचारिक तौर से और अनौपचारिक तौर से लगभग 700-800 लोगों को रोजगार मिलेगा। बाकी जो भी डीएम साहब ने जो आप लोगों को सहयोग करने की बात की, डीएम साहब पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। मैंने दो बातें रखी और डीएम साहब ने एसडीएम बहेड़ी महोदय को फौरन निर्देशित करा कि उद्यमियों से आने वाली समस्याओं को तुरंत हल किया जाए और हल हो भी रही है। तैयारी के रूप में हम लोग 18 जनवरी को स्थानीय इन्वेस्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। उससे भी पहले आज हमारे बीच IIA, CCI और लघु उद्योग भारती और IMA के सारे मौजूद थे, जिनके साथ जनपदीय अधिकारियों का एक परामर्श हुआ। इन इन्वेस्टर्स की अगर कोई समस्याएं हैं जिनको उन्होंने यहाँ पर फ्लैग किया, उनके समाधान करता उन्होंने कराया है। निवेश पत्र पोर्टल पर जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन थी उनकी समीक्षा की गई है। हमारा प्रयास है कि 18 तारीख को हमारी जो समिट होने वाली है जनपदीय समिट, उससे पूर्व किसी भी इन्वेस्टर की कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एनओसी किसी भी विभाग के स्तर पर पेंडिंग न रहे, इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में इन चारों एसोसिएशंस ने, जिनकी भी आपसे चर्चा की, इनके प्रतिनिधियों द्वारा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उन लोगों ने निवेश आर्थिक पोर्टल पर अपने इंटेंट फाइल किए हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में हैं। फूड प्रोसेसिंग है, टूरिज्म है, बायोफ्यूल है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं, इन सारे सेक्टर्स में इस जनपद में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। टोटल संभावित इन्वेस्टमेंट अब तक हमारे पास लगभग 4,000 करोड़ का है। मैं आशा करता हूँ कि 18 तारीख तक और 10-12 फरवरी तक ये अभी इन्वेस्टर्स की संख्या और धनराशि भी और बढ़ेगी। जिलाधिकारी महोदय, ये जो 4,000 करोड़ आ रहा है बरेली के लिए, बरेली के इन्वेस्टर्स हैं या बाहर के भी इन्वेस्टर्स हैं? दोनों प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं। इसमें कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बरेली के हैं, अपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं, कुछ नए क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जनपद बरेली के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो पुनः नई यूनिट्स लगा रहे हैं और साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे डेयरी के क्षेत्र में, बायोफ्यूल के क्षेत्र में इन्वेस्टर्स हमारे अन्य जनपदों से, अन्य प्रांतों से हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टर आए हैं तो
इन्वेस्टर्स के लिए देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें तमाम डिपार्टमेंट की एनओसी चाहिए होती है। हम तो सबसे पहले उनको सारी पॉलिसीज के बारे में अपडेट कर रहे हैं, इस पर हमारी कई बैठक हो चुकी है। हम हर बैठक में इनके साथ जो नई पॉलिसीज है उसमें जो सुविधाएँ हैं उनके बारे में भी हम लोग बता चुके हैं और पहले से भी लोगों को जानकारी।